निर्णय अमरीश पुरी ने इस फिल्म के बाद सभी फिल्मों में सिर मुंडा निकाल लिया था। निर्णय बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक अमरीश पुरी के विलेन के निभाए गए किरदार आज भी लोगों के जहन में बसा है, जिसकी लोग खूब सराहना करते हैं। इसमें केवल उनके बेहतरीन अभिनय का ही योगदान नहीं है, बल्कि उनके गेटअप का भी योगदान रहा है। जैसे अमरीश पुरी का मुंडवाया हुआ सिर, जिसे कई फिल्मों में दर्शकों ने देखा है, लेकिन बहुत कम ही लोग यह जानते हैं कि सिर्फ एक फिल्म की बेहतरीन सफलता के बाद उन्होंने अपने सभी फिल्मों में सिर मुंडवाए रखने का फैसला लिया था। 1984 में थी उनकी यह फिल्म। अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों में अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से उनकी पहचान भी बन गई थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता और करियर में ऊंचाइयां बढ़ी 1984 में फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म में उन्होंने मोलाराम की भूमिका विलन के रूप में निभाई थी, जिसकी काफी सराहना हुई थी। इस फिल्म की सफलता और विलन किरदार की कामयाबी के बाद ही अमरीश पुरी ने अपने सभी फिल्मों में सिर मुंडवाए रखने का निर्णय